अब हम देखेंगे ब्रेक पावर। ये हमने देखा एफपी क्या है, पिस्टन फोर्स ड्यू टू गैस, ये हमने हमारे पहले उसमें लेक्चर में देखा था। यहाँ पिस्टन पर ये फोर्स लग रहा है एफपी, जिसकी वजह से पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम सेंटर में मूवमेंट करेगा। इस फोर्स की वजह से मोशन किसको मिलेगा, दिस पिस्टन फोर्स इज रेस्पॉन्स फॉर द मोशन ऑफ द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। देन पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा तो ये मोशन कनेक्टिंग रोड को होगा, और मोशन ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द क्रैंक। इसकी वजह से आपकी क्रैंक रोटेट होगी, इसकी वजह से आपकी ये क्रैंक को रोटेशन मिलेगा। तो इस जो पिस्टन फोर्स है हमारा, इसका एक कंपोनेंट एफ सी आर इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ सी आर कनेक्ट रोड की डायरेक्शन में लग रहा है, एक नॉर्मल टू द पिस्टन बॉल, दूसरा जो हमारा फोर्स है वो लग रहा है नॉर्मल टू पिस्टन बॉल। इसके दो कंपोनेंट हो गए, इसको हमने बनाया ये एफ पी, ये एफ एन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द पिस्टन वाल्व की नॉर्मल लग रहा है ये फोर्स एफ एन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है एफ सी आर। तो एफ सी आर बराबर एफ पी अपॉन कोस फाइव। अब अगेन जो एफ सी आर है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एफ सी आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा एफ आर, ये एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल में एफ टी क्रैंक पिन एफर्ट्स। एफ टी क्या है, इसको हम क्रैंक पिन एफर्ट या फिर क्रैंक के लिए इसको हम टेंजेंशियल फोर्स भी कह सकते हैं, एफ टी दिस वन टेंजेंशियल लगता है, ये रेस्पॉन्सिबल है क्रैंक के रोटेशन के लिए। एफ टी जो फोर्स लग रहा है, एफ सी आर का जो कंपोनेंट है, एक आपके लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल फोर्स है, इसकी वजह से एफ टी की वजह से आपकी क्रैंक को जो है रोटेशन होता है। ये एक्चुअल फोर्स है जो हमको रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से हमको एक्चुअल पावर जो व्हील पे मिल रही है वो इसकी वजह से मिलती है। तो यहाँ आप देखिए, ये माना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है क्रैंक का जो एंगल है ये यहाँ पे ये थीटा है, और ये एंगल, ये वाला एंगल जो है ये फाई है, ये फाई है, ये थीटा है, तो ये ट्रायंगल पूरा ही पूरा बन रहा है। तो ये आपका एंगल जो है, ये एंगल आपका 180 माइनस थीटा प्लस फाई हो गया। अब एफ सी आर वाली लाइन को हमने आगे ले गए तो ये एंगल कितना होगा,
थीटा प्लस फाइव, तो ये एफ सी आर और एफ टी के बीच वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा प्लस फाइव। तो हम एफ टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो टेंजेंशियल फोर्स है, क्रैंक अफर्ट्स फोर्स, क्रैंक पिन अपोर्ट्स फोर्स भी जिसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा एफ सी आर कोस 90 माइनस थीटा प्लस फाइव। ये हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स का जो कंपोनेंट है, ये हो जाएगा एफ टी बराबर एफ सी आर कोस 90 माइनस थीटा प्लस फाइव। कोस 90 माइनस थीटा प्लस फाइव को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा प्लस फाइव। तो ये एफ टी बराबर एफ सी आर साइन थीटा प्लस फाइव। यहाँ हम एफ सी आर को यहाँ से लिख देंगे, एफ सी आर की वैल्यू, एफ सी आर की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, तो एफ टी हो जाएगा एफ पी अपॉन कोस फाइव मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा प्लस फाइव। अब ये टेंजेंस फोर्स है जिसकी वजह से क्रैंक का रोटेशन हो रहा है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल द रोटेशन ऑफ क्रैंक। इस फोर्स की वजह से क्रैंक रोटेट कर रही है, ड्यू टू दिस क्रैंक इज रोटेट, इसकी वजह से क्रैंक को आपका रोटेशन हो रहा है। तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, एफ टी मल्टीप्लाई बाय टॉर्क होगा, जो क्या होगा एफ टी मल्टीप्लाई बाई आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रैंक, दिस वन रेडियस ऑफ क्रैंक। तो ये क्रैंक की, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ टी इंटू आर। पावर क्या होती है, आप जानते हैं टॉर्क मल्टीप्लाई बाई एंगुलर स्पीड। टॉर्क पावर क्या होगा, टी मल्टीप्लाई बाई एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कितनी है, 2πN/60। एन क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक पर मिनट, तो उसको सेकंड में करने के लिए 60 का भाग दे दिया, तो 2πN/60। तो ब्रेक पावर हमारा जो निकलेगा 2πNT/60, ये हमारा ब्रेक पावर निकल जाएगा। अब हमको देखना है फ्रिक्शन पावर, तो फ्रिक्शन पावर क्या होता है, फ्रिक्शन पावर इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन लॉसेज, अनकाउंटेड लॉसेज और पंपिंग लॉसेज। तीनों को ओवरकम करने के लिए जितनी पावर हमें चाहिए वो फ्रिक्शन पावर होगी। तो फ्रिक्शन लॉसेज तीन तरह के हमने बताया आपको, सिलेंडर पिस्टन के बीच में, क्रैंक कैमशाफ्ट और बियरिंग के बीच में, और क्रैंकशाफ्ट और बियरिंग के बीच में फ्रिक्शन लॉसेज होंगे। अनकाउंटेड लॉसेज हमारे होते हैं पावर कंज्यूम फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट टू ऑपरेट ऑक्सिलरी डिवाइस सच एज बॉल मैकेनिज्म और इग्निशन। बॉल मैकेनिज्म हम इससे रन करते हैं और इग्निशन भी इसी से हम करते हैं, तो इस दोनों को ओवरकम करने के लिए ये अनकाउंटेड लॉसेज के अंदर ये हमारे हो गए। और पंपिंग लॉसेज हमने पढ़ा ड्यू टू एडवर्स प्रेशर की वजह से, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में जितना पावर चाहिए इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर। तो हमने पहले इसमें पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी, सबसे पहले पावर ऑफ पिस्टन, पिस्टन के ऊपर जो हमको पावर मिलती है वो क्या है, इंडिकेटिव पावर, पावर एट पिस्टन इंडिकेटिव पावर है। इसमें से आपके फ्रिक्शन लॉसेज, पंपिंग लॉसेज और अनअकाउंटेड लॉसेज
निकालने के बाद में यूजफुल पावर एट क्रैंकशाफ्ट, जिसको हम बोलते हैं यूजफुल पावर एट क्रैंकशाफ्ट, जो कि आपका क्या है, ब्रेक पावर। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या ले सकते हैं, इंडिकेटिव पावर बराबर ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल पावर। अब एफिशिएंसी, तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी जो होती है वो होती है इंडिकेटिव पावर, दिस इज द रेशियो ऑफ, दिस इज रेशियो ऑफ इंडिकेटिव पावर टू मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिलीवर्ड। तो इंडिकेटिव पावर अपॉन मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल, मास मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाई बाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो द रेशियो ऑफ इंडिकेटिव पावर टू मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई बाय कैलोरीफिक वैल्यू, ये होती है आपकी इंडिकेटिव थर्मल एफिशिएंसी। तो इसको मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल प्लस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को हम क्या ले सकते हैं, इंडिकेटिव पावर प्लस हीट लॉस। हीट लॉस हुआ हमारा रेडिएशन की वजह से, एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में जो हुआ और कूलेंट की वजह से हुए, ये सारे के सारे हीट लॉस प्लस हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन। तो ये इतने सारे लॉसों को काउंट करने के बाद में ये हमारा निकल जाएगा इंडिकेटिव एफिशिएंसी। अब हम निकालेंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय द फ्यूल। तो यहाँ एम एफ मल्टीप्लाई बाय कैलोरी वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगी, ब्रेक पावर प्लस हीट लॉस प्लस हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन प्लस हीट फ्रिक्शन लॉसेज, अनकाउंटेड लॉसेज प्लस पंपिंग लॉसेज। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटिव पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी किसका रेशियो होता है, बीपी और एचपी का। उसके बाद में लास्ट रिलेटिव एफिशिएंसी। तो रिलेटिव एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एन एक्चुअल, एक्चुअल एफिशिएंसी टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक्चुअल एफिशिएंसी हमारी क्या है, जो हमको एक्चुअल जो पावर मिल रहा है, यूजफुल पावर जो मिल रहा है हमको, तो यानी कि ब्रेक एफिशिएंसी। ये क्या है, ब्रेक एफिशिएंसी। डिवाइडेड बाई एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि आइडल कंडीशन में जो एफिशिएंसी निकलेगी वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी निकलेगी। तो रिलेटिव जो एफिशिएंसी होगी वो आपकी एन ब्रेक एफिशिएंसी अपॉन एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी और ब्रेक एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो रिलेटिव एफिशिएंसी होगी, यानी कि एक्चुअल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, दोनों का जो रेशियो है वो रिलेटिव एफिशिएंसी होती है। तो इस तरह से हमने इंडिकेटिव पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर, थर्मल इंडिकेटिव एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, किस तरह से निकालते हैं, ये आज हमने कंप्लीट किया। अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे आगे के लेक्चर के अंदर। थैंक यू।